हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों, आज हम मैथ्स में रिवीजन करेंगे। तैयार हो ना आप सब? तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट नंबर्स 1 to 50। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 1 to 50 नंबर राइट करने हैं। पेरेंट्स, एक बात ध्यान से सुनिए, आपको अपने बच्चों की नोटबुक में हेडिंग लगा कर देना है और क्वेश्चन लिख कर भी देना है और अपने बच्चों के पास आंसर लिखवाने हैं। तो चलो बच्चों, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाओ और लिखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 1 0 10। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। बच्चों, आप बोलते हुए ही लिखना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। चलो, 2 0 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 13। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, and 5 0 50। बच्चों, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बोलते हुए लिखना है और 1 to 50 नंबर लिखकर कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमको क्या दिया है बच्चों? फील इन द गैप्स। देखो, आपको यहाँ पर गैप्स दिए हैं, वो हमें राइट करने हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कौन सा है? 1 1 11। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? आगे हमने नंबर लिखे ना, उसके बाद आएगा 1 2 12, 1 3 13, उसके बाद 1 4 14, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? वेरी गुड, 1 5 15, और 1 6 16 तो हमें लिख कर दिया है तो वो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 1 7 17, उसके बाद 1 8 18, और उसके बाद आएगा 1 9 19, और 2 0 20। अब हम उसके नीचे की गैप्स देखते हैं। पहला नंबर कौन सा है? 3 1 31, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 3 2 32, उसके बाद 3 3 33,
उसके बाद आएगा 3434। वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये तो लिख कर दिया है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 3535। उसके बाद 3636। उसके बाद 3737। उसके बाद कौन सा नंबर हमें लिखना है बच्चों, वेरी गुड, 3838। उसके बाद लिखना है 3939 और 4040। तो बच्चों हमारी ये दो ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब हम उसके नीचे देखते हैं कौन सा नंबर है 1। उसके बाद कौन सा आएगा 2 3। उसके बाद 4 5। उसके बाद 6 7। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 7 के बाद, वेरी गुड 8। उसके बाद 9 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 1 0 10। तो बच्चों ये ब्लैंक्स आपको बोल कर लिखने हैं और कंप्लीट करने हैं अपने नोटबुक में। अब हम नेक्स्ट पेज देख, नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है बच्चों, राइट आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर नंबर्स। तो बच्चों आफ्टर नंबर में हमें क्या करना है, जो नंबर दिया है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये नंबर कौन सा है 1111। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 1212। ओके नीचे देखते हैं 2121। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 2222। नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा नंबर है बच्चों 2929। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, वेरी गुड 3030। नेक्स्ट देखते हैं 3232। उसके बाद 3333। नेक्स्ट देखते हैं 3737। उसके बाद कौन सा आएगा 3838। और लास्ट देखते हैं 9 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों, वेरी गुड 1010। तो बच्चों ये हमारा आफ्टर नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बिटवीन नंबर देखते हैं। बिटवीन नंबर में हमें क्या करना है बच्चों, ये दो नंबर दिए हैं उसके बीच कौन सा नंबर आएगा वो हमें लिखना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है 1313 और 1515। उसके बीच कौन सा नंबर आएगा बच्चों 1414। 9 और 11 के बीच कौन सा नंबर आता है बच्चों, वेरी गुड 1010। उसके बाद 5 और 7 दिया है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 6। 31 और 33 दिया है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों 3232। नेक्स्ट देखते हैं 2525 और 2727 दिया है, उसके बीच आएगा 2626 और 3737 और 3939 दिया है, उसके बीच कौन सा नंबर आएगा 3838। तो ये हमारा आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर कंप्लीट हो गया। आपको भी अपनी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है बच्चों हमको, ड्रॉ सर्कल इक्वल टू नंबर। देखो बच्चों यहाँ पर आपको नंबर दिया है, इतने सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये नंबर कौन सा है 1010। तो हमें 10 सर्कल ड्रॉ करना है। देखो आप भी मेरे साथ सर्कल काउंट करते जाइए और ड्रॉ करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो यहाँ पर 10 नंबर है ना, तो हमें 10 सर्कल ड्रॉ कर दिए। आपको भी ऐसे ही नंबर बोलते जाना है और सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखते हैं 1515। तो हमें 15 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15। बच्चों हमको 15 सर्कल ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखते हैं 1 to 12, तो हमें 12 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 1, 6, 16, तो हमें 16 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। उसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर है, 5, तो हमें 5 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर है, 8, तो हमें 8 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हुए, 8, हमें 8 ही सर्कल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों आपको ये रिवीजन है ना, वो अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं ना, तो ये रिवीजन आपको करना है। अब हम उसके बाद का पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है हमको, मैच द सिमिलर नंबर। तो बच्चों यहाँ पर हमें नंबर दिया है, जो नंबर सेम है उसके साथ हमें मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये है 1, 0, 10, तो यहाँ पर 1, 0, 10 कहाँ पर है, ये रहा, तो इसके साथ हमें ऐसे मैच करना है, हो गया ना। अब नेक्स्ट देते हैं 1 to 12, तो यहाँ पर 1 to 12 कहाँ पर है, फर्स्ट ही है, तो हमें मैच करना है इसी तरह। उसके बाद 2, 0, 20, तो 20 कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर है, तो हमें मैच करना है। उसके बाद 2, 5, 25, तो दूसरा 25 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा, थर्ड नंबर पर है, तो हमें ऐसे मैच करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं 3, 3, 33, तो 3, 3, 33 कहाँ पर है बच्चों, लास्ट है, तो हमें मैच करना है। उसके बाद 4, 0, 40, तो कहाँ पर है बच्चों, 4, 0, 40 सामने ही है, तो आपको इसी तरह मैच करना है। उसके बाद 4, 3, 43, तो यहाँ पर 4, 3, 43 कहाँ पर है, ये रहा, तो उसके साथ हम ऐसे मैच करेंगे। उसके बाद 3, 9, 39, तो 3, 9, 39 कहाँ पर है, ये रहा, लास्ट 2 सेकंड, तो हमें इसके साथ मैच करना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मैच द सिमिलर नंबर्स। अब हम उसके बाद का पेज देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है, काउंट एंड राइट नंबर्स। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिया है, तो ये हमें काउंट करना है, और जितने भी वो नंबर यहाँ पर हमें राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने सर्कल हुए बच्चों, 9, तो यहाँ पर हमें 9 लिखना है। उसके बाद नीचे क्या दिया है, स्क्वेयर, ये क्या है, स्क्वेयर, तो हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने स्क्वेयर हुए बच्चों, 6, तो यहाँ पर हमें 6 लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें स्टार दिया हुआ है, तो हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने स्टार हुए बच्चों, 11, तो यहाँ पर हमें 11 लिखना है।
देखो ये ट्राइंगल है, तो कितने ट्राइंगल है हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। देखो नीचे ये हमको ये सेट दिए हैं, तो हम वो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हुए 7, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। और लास्ट देखते हैं ये क्या है बच्चों, बॉल, तो हम वो काउंट करते हैं, 1, 2, कितने बॉल है 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। तो बच्चों आज हमने कौन से क्वेश्चन का रिवीजन किया, देखो 1 to 50 नंबर आपको राइट करने हैं, और दूसरा फिलिंग द गैप्स, और आफ्टर नंबर, और बिटवीन नंबर, और ड्रॉ सर्कल इक्वल टू नंबर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सिमिलर नंबर्स, और लास्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट नंबर। तो बच्चों ये रिवीजन आपको अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिखना ही है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।